हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की तैयारी कैट की और आईपीएम इंदौर एंड रोहतक की काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग एलआरटीआई का ही नेक्स्ट सेट सॉल्व करेंगे जो कि 2018 का ही है। और ये भी क्वेश्चन दिखने में हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो काफ़ी आसान रहेगा। तो आप ध्यान से देखना, अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो आपको LRTI के कितने भी टेस्ट सेट क्यों ना लगते हो, लेकिन हमारा जो मेथड रहता है उसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान रहता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपने जितने भी LRTI के सेट हमारे चैनल पे देख पाओ उतना अच्छा है, ताकि आप इजीएस्ट वे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओ। ठीक, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले नोट डाउन करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं आपको बता दूं, हमारी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें मैथ्स के भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, LRTI के भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं एंड वर्बल एबिलिटी के भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, वो आपको डिस्काउंटेड रेट पे अभी भी मिल रही है, जिसका ओवरऑल प्राइस हमने 11,000 रुपीज़ रखा है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे सेलेक्ट किए गए हैं उसमें। ठीक, आपके टेंथ में जितने भी परसेंट हैं, टेंथ क्लास में आपके जितने भी परसेंट हैं, आपको उतने परसेंट का डिस्काउंट अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, ऑफर वैलिड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जल्दी आप वो टेस्ट सीरीज चाहें तो ले लें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो कैट हो, चाहे आई एम इंदौर या आई एम रोहतक का एग्ज़ाम हो IPMAT। ठीक है, उसके अलावा आप हमारा मैथ्स का वीडियो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। ठीक, और आप IPMAT 300 की हमारी जो सीरीज़ है, जिसमें 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम इंदौर के एग्ज़ाम के लिए हैं और आई एम रोहतक के एग्ज़ाम के लिए हैं, तो मैथ्स का भी IPMAT 300 है और LR का भी IPMAT 300 है। डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दी हुई होगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को देख लीजिएगा। ठीक, और स्क्रीन पॉज करके आप लोगों ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन को अब तक सॉल्व कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके मेरा मानना, एक बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्व करना चालू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एड्रियाना, बैंडिटा, चित्रा एंड डेजी आर फोर फीमेल्स। ठीक है, एंड अमित, वरुण, चेतन एंड दीप आर फोर मेल। ठीक है, बाद में लिख लूंगा। ईच ऑफ देम स्टडीज इन वन ऑफ द थ्री इंस्टीट्यूट एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ईच स्टूडेंट मेजर इन वन ऑफ सब्जेक्ट अमंग मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस एंड माइनर इन अ डिफरेंट वन अमंग दिस थ्री सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जो होगा वो मार्केटिंग, ऑपरेशन या फाइनेंस से मेजर और माइनर करेगा, लेकिन असेम नहीं होगा। अगर मेजर मान लो फाइनेंस से किया है, तो माइनर कहाँ से होगा? मार्केटिंग या ऑपरेशन से। ठीक, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी तक हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, एक बार में सब लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि देखो, सबसे पहले फीमेल कौन कौन है? एड्रियाना, बैंडिता, चित्रा एंड डेसी। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। मेल कौन है? अमित, वरुण, चेतन, दीप। मेल कौन कौन है? अमित, वरुण, चेतन एंड दीप। इंस्टीट्यूट कौन कौन से थे? एक्स वाई एंड जेड। सब्जेक्ट कौन कौन से थे? मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड फाइनेंस। इतना अभी तक हमने ऊपर देख लिया है। अब पॉइंट्स पढ़ते हैं। थ्री स्टूडेंट्स आर फ्रॉम एक्स, थ्री फ्रॉम वाई एंड द रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स बोथ फीमेल, ध्यान देना, बोथ फीमेल आर फ्रॉम जेड। ठीक है, देखिएगा, एक्स से कितने हैं? तीन है, तो मैं तीन बॉक्स बना देता हूं। ये सब्जेक्ट लिखूंगा इन बॉक्स में,
और दो पार्ट में इसलिए बनाया, ऊपर मान लूंगा मैं मेजर लिखूंगा, नीचे माइनर, याद रखना बॉक्स के ऊपर साइड में कौन से सब्जेक्ट लिखूंगा, मेजर सब्जेक्ट, बॉक्स के नीचे में क्या लिखूंगा, माइनर। ऐसे ही मैं किसका लिख लूँ, वाई का, इसमें भी तीन बॉक्स बना लेता हूँ क्योंकि तीन स्टूडेंट इसमें भी हैं, ये मेरे धीरे धीरे तरीके सीखते जाओ आप, आपको हर क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। और टू स्टूडेंट थे जेड में, तो इसमें से दो ही बॉक्स बनाऊंगा, और ये जो दोनों स्टूडेंट थे ये फीमेल थी, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं शॉर्ट में क्या लिख लेता हूँ, फीमेल के लिए स्मॉल एफ से डिनोट कर देता हूँ। ठीक, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, सेकेंड पॉइंट, बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम वाई माइनर इन फाइनेंस व्हाइल द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई मेजर इन ऑपरेशन। अच्छा, जो दोनों मेल हैं वाई के, उनका माइनर क्या है, फाइनेंस। अच्छा, दो मेल एक फीमेल है, यहां से समझ में आ गया, तो ये मेल और ये, यहां पे मैं फीमेल लिख देता हूँ, माइनर इस में किसमें था, फाइनेंस, तो माइनर है तो नीचे वाले बॉक्स में लिखूंगा, याद रखना ये फाइनेंस, फाइनेंस और फीमेल जो थी उनका ऑपरेशन में मेजर था, ऑपरेशन में मेजर था, मेजर था इसलिए ऊपर वाले इसमें लिखा है, दो पार्ट जो डिवाइड किए थे, ये अपने खुद के नोटेशन होने चाहिए खुद के कुछ कुछ। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकना, देखना टोटल चार मेल थे, चार फीमेल थी, जिसमें तीन फीमेल हो गई, दो मेल हो गए, दो मेल और एक फीमेल बची हुई है, तो ये इंस्टीट्यूट एक्स में ही होंगे, तो यहाँ पे मेल, मेल और फीमेल लिख देता हूँ, क्योंकि बाकी तो सब जगह हम लिख ही चुके थे मेल और फीमेल। ठीक, इतना लिख दिया, अब आगे पढ़ लेते हैं, कहाँ तक पॉइंट हमारा हो चुका था, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, ओनली वन मेल स्टूडेंट मेजर इन ऑपरेशन। ठीक है, यहां पे कहीं लिख लेता हूं, मेजर इन ऑपरेशन जो है, कौन है, एक मेल, वन मेल लिख लेते हैं कहीं साइड में छोटा सा, वाइल थ्री फीमेल स्टूडेंट माइनर इन मार्केटिंग। माइनर इन मार्केटिंग कितनी है, थ्री फीमेल। ठीक, कौन सा पॉइंट था ये, थर्ड, फोर्थ, वन फीमेल टू मेल स्टूडेंट मेजर इन फाइनेंस, वन फीमेल टू मेल मेजर इन फाइनेंस। सब पॉइंट छोटे छोटे अपने हिसाब से लिख लिया करो ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं जाए, है ना, कितने हैं, टू मेल एंड वन फीमेल, है ना, मेजर इन फाइनेंस। फिफ्थ पॉइंट, एड्रियाना एंड देव आर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, है ना, एड्रियाना और देव, ऐसा कुछ भी लिख लो बॉक्स में ताकि एक ही इंस्टीट्यूट में देना इनको। और क्या लिखा हुआ है, डेजी अमित, एड्रियाना देव थे और कौन दो हैं, अमित एंड डेजी, लिख लो अमित एंड डेजी, ये दोनों सेम इंस्टीट्यूट में। ठीक, अब वरुण इज फ्रॉम वाई एंड मेजर इन ऑपरेशन। अब देखो वरुण कौन है, मेल है ना, वरुण मेल है, यहां से हटाओ इसको, y में है और इसका मेजर क्या है, ऑपरेशन, तो यहां पे लिख देता हूं ऑपरेशन मेजर में लिख देता हूं, और ये कौन हो गया, वरुण। ठीक, आगे पढ़ो। अच्छा, वरुण का अगर मेजर ऑपरेशन में है और इधर लिखा हुआ था ऑपरेशन में मेजर एक ही मेल है ना, तो ये पॉइंट अब मेरा हो चुका है, इसको काट देता हूँ। ठीक,
अच्छा, अगर एक ऑपरेशन हो गया, मतलब अब मेल जो भी होंगे उनका मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, क्या होगा? मार्केटिंग या फाइनेंस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनर में फाइनेंस लिखा हुआ इंस्टीट्यूट वाई में, है ना, मतलब इसका मेजर क्या होगा? मार्केटिंग या ऑपरेशन होना चाहिए था, लेकिन ऑपरेशन तो एक ही था जो हो चुका है, तो बचा क्या? मार्केटिंग। तो जो भी दूसरा होगा उसका मेजर क्या होगा? मार्केटिंग। खुद से लिख दो ताकि बाद में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आपसे हो जाए। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चेतन इज फ्रॉम एक्स, मेजर इन फाइनेंस। एक लड़का अपन चेतन कर लेते हैं, एक्स में है तो चेतन ये लिख दो, और मेजर किस में है? ये फाइनेंस। यहां पे क्या लिख दो? फाइनेंस। ठीक, माइनर कुछ भी हो सकता है, तो अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे। आखिरी डेजी माइनर इन ऑपरेशन। डेजी जो है उसका ऑपरेशन में माइनर है। अब ध्यान से देखना डेजी कहाँ पे लिखना है मुझे, है ना। सेवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ये पूरी पजल सॉल्व होने वाली। डेजी का माइनर है ऑपरेशन में, तो देखो वो इंस्टीट्यूट वाई में तो हो नहीं सकती क्योंकि इंस्टीट्यूट वाई में एक ही फीमेल और उसका मेजर ऑपरेशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑपरेशन माइनर में, वाई हो नहीं सकता। और डेजी और किसका पेयर था? अमित का, तो इंस्टीट्यूट जेड में भी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों फीमेल है उसमें, तो बचा क्या? सिर्फ इंस्टीट्यूट एक्स। तो इंस्टीट्यूट एक्स में आप क्या लिख दो? अमित और डेजी को। चेतन तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब बचे हुए दो कौन होंगे? एक होगा अमित और एक कौन होगी? डेजी। और डेजी का माइनर क्या दिया है इन्होंने? ऑपरेशन। यहां तक लिख दिया। अब हम देखो पूरे पॉइंट हो चुके, अब अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। और खुद से सॉल्व करते हैं तो कलर थोड़ा सा चेंज करके कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखा, नीचे जो मैंने पॉइंट लिखे थे, अमित डेजी का एक पेयर हो गया, है ना, इनको हटाओ। दूसरा पेयर किसका बचा है? एड्रियाना और देव का। जेड में तो हो नहीं सकता पेयर, एक्स ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो बचा कौन? वाई। वाई में क्या लिख दो? एड्रियाना एंड देव। देव मेल है तो मेल में लिखो, ये रहा देव, ये एड्रियाना। ठीक, अब ध्यान से देखो सबको ही हो गए, सिर्फ दो फीमेल बची हुई हैं। कौन कौन सी बची हैं? इधर फीमेल में देखो, एड्रियाना हो गई, डेजी हो गई, बेंडिता एंड चित्रा, तो ये दोनों को जेड में लिख दो, बेंडिता एंड चित्रा। हमेशा सॉल्व करने का पार्ट आखिरी में करना चाहिए, लार में ये ध्यान रखो, पहले एक बार पूरे पॉइंट पढ़ दो उसके बाद ही दिमाग लगाना चाहिए। ठीक, ये सबसे अच्छा तरीका होता है एलआर करने का। ठीक, और जो जो पॉइंट हो गए उनको हटाते दो। अब माइनर मार्केटिंग में तीन फीमेल है, अब देखो चार में से तीन फीमेल का मार्केटिंग में माइनर है, इसमें से एक फीमेल का ऑपरेशन हो चुका है, तीन ही फीमेल बची, मतलब तीनों का माइनर में क्या लिखना है मुझे? मार्केटिंग लिख दो। ठीक, तो मेरा ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब मेजर फाइनेंस में दो मेल एक फीमेल है, दो मेल हैं फाइनेंस मेजर में और एक फीमेल है। अब ध्यान से देखना, फाइनेंस मेजर में दो मेल थे तो वाई में तो दोनों मेल जो है उनका मेजर तो कुछ हो रही है, तो एक्स के ही दोनों मेल जो होंगे जिनका मेजर क्या होगा? फाइनेंस। एक का तो ऑलरेडी था, दूसरा, दो मेल हो गए, एक फीमेल बची हुई है जिसका मेजर मुझे फाइनेंस देना है, है ना। अब वो एक जो फीमेल है वो कोई भी हो सकती है, वो जो एक फीमेल है कोई भी, मतलब डेजी भी हो सकती है, चित्रा भी और बेंडिता भी, तो यहां पे मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। ठीक, तो अभी फिलहाल मैंने इतनी इंफॉर्मेशन भरी है, है ना, इसके अलावा अभी मैं नहीं भर सकता, तो इसको यहीं पे मैं छोड़ दूंगा, सीधे क्वेश्चन पढ़ने लगूंगा। कई बार हमसे गलती क्या होती है, हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो कभी भी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खासतौर से कैट जैसी एग्जाम के पजल्स में। ठीक, आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट जेड। जेड में कौन कौन है? बेंडिता, चित्रा, देखो दिख ही रहा है पहले का सी, अब तो एक एक सेकंड में आंसर लगाएंगे, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट डज डेव माइनर इन। डेव का माइनर बता दो भाई,
देवियरा इंस्टीट्यूट वाई में माइनर इसका फाइनेंस है, तो सेकंड का आंसर फाइनेंस ऑप्शन डी। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन थे, है ना, मैंने कितने आराम से समझाया, उसके बावजूद 15 to 16 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गया। तो सोचो खुद से करते तो 10 मिनट के अंदर आराम से ये हो जाता। थर्ड, विच सब्जेक्ट डज अमित मेजर इन, अमित का मेजर देख लो भाई कौन सा है, अमित है इंस्टीट्यूट एक्स में, इसका मेजर है फाइनेंस, अमित का मेजर फाइनेंस लगा दो, ऑप्शन डी। फोर्थ, इफ चित्रा मेजर्स इन फाइनेंस, चित्रा का मेजर बोल रहे हैं इफ, देखो इफ बोला है मतलब हमने ऊपर जो किया था सही किया था, क्योंकि अगर पहले से पता होता तो इस क्वेश्चन में ये लोग इफ नहीं लिख रहे होते। चित्रा का मेजर आप लिख दो फाइनेंस, है ना, पूछा क्या है, बेंडिता का मेजर पूछा है। अब ध्यान से देखो, फाइनेंस मेजर सिर्फ एक फीमेल का था, ये रहा पॉइंट, ये रेड रेड में कर रहा हूं, जो वो एक फीमेल चित्रा हो गई, मतलब अब फाइनेंस मेजर में किसी फीमेल को नहीं देना है मुझे, ठीक। अब बचा क्या, मार्केटिंग या ऑपरेशन, तो बेंडिटा का मार्केटिंग अगर माइनर में है तो इसका मेजर तो मार्केटिंग हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों सेम नहीं होने चाहिए, फाइनेंस में दे नहीं सकता, बचा क्या, ऑपरेशन। तो बेंडिटा का जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑपरेशन, ऑप्शन डी, ठीक, फोर्थ का ऑप्शन डी। देखो कितना आसान था, ठीक। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना। और वापस से मैं बता दूं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोग ज़्यादा डिले मत कीजिए, ये ऑफर कभी भी, इसकी वैलिडिटी क्लोज हो सकती है। और हाँ, अगर अभी भी आपको मैथ्स से डर लगता है और आप लो टू हाई लेवल तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा मैथ्स का वीडियो कोर्स जरूर लीजिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।